राज मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो हेलो जेठालाल जी। हाँ बोल रहा हूँ, कौन? मेरा नाम जय है। कल मैं आपके यहाँ से फ्रिज लेकर गई थी। अच्छा, तो कंपनी वाले फिटिंग के लिए अभी तक नहीं आए, कब आएंगे? मैडम हम तेरा दुकान में फोन करेंगे, वो लोग आपको बता देंगे, ठीक है? आपकी दुकान का फोन बंद आ रहा है। तो देखिए बिल पे एक दो मोबाइल नंबर लिखे, उसमें से किसी भी एक नंबर पे फोन करेंगे ना तो आपको बता देंगे, ठीक है? वो दोनों नंबर भी बिजी आ रहे हैं। ये बागा सुबह सुबह किसके साथ टाइम पास कर रहा है? मैडम मैं अभी जरा बाहर हूँ तो दुकान पहुँच के आपको फोन करवाता हूँ, चलेगा? ठीक है, पर जल्दी कीजिएगा। ओके। हाँ चंद्रकांत भाई बोलिए बोलिए। रिटर्न फाइल करने के लिए नट्टू काका ने खर्चे की फाइल भेजी नहीं अब तक। भेजी नहीं? नहीं, फिर आप ही मुझसे कहोगे कि रिटर्न फाइल करने में लेट क्यों हो गया? नहीं नहीं, मैं अभी नट्टू काका को बोलता हूँ, ठीक है? ठीक है जेठा भाई, जल्दी भेजिए। ये कौन है? हेलो, आप जेठालाल जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, कौन जी? हम भोला प्रसाद जी बोल रहे हैं। कहाँ से? रास्ते पे से। कहाँ है आपकी दुकान से माल उठाना है ना, तो हम टेम्पो लेके निकले हैं, आपकी दुकान का एड्रेस नहीं ना मिल रहा है। हाँ तो दुकान पे फोन करो, नट्टू काका या बागा आपको समझा देंगे दुकान का एड्रेस, ठीक है? अरे उन दोनों को हम कब से फोन किए हैं, लेकिन उन दोनों का फोन लगातार बिजी जा रहा है। अरे इसीलिए आपको फोन किए हैं। आप एक काम कीजिए, अपनी दुकान का एड्रेस बता दीजिए हमको। अच्छा कहाँ पे है अभी आप? हमने बताया तो सही है कि रास्ते पे है। अरे कौन से रास्ते पे हो भाई, मुंबई में हजारों रास्ते हैं, कौन से रास्ते पे है आप? हाईवे पे। कौन से हाईवे पे? अरे हाईवे तो एक ही है ना। अरे मुंबई में दो हाईवे है, गुजरात की ओर जाता है, दूसरा वो नासिक की ओर जाता है, तो आप दोनों में से कौन से हाईवे पे खड़े है? मुंबई हाईवे पे। अरे एरिया एरिया कौन सा है? एरिया तो हाईवे का ही है ना। अरे जय जिनेंद्र बापू जी। जय जिनेंद्र। सेठ जी कहाँ बोले? अरे तुमको नहीं बोल रहा भाई, तुम एक काम करो, तुम पहले पता लगाओ हाईवे पे कौन से एरिया पे तुम खड़े हो, उसके बाद ही मैं तुमको समझा सकूंगा कि वहाँ से तुम दुकान कैसे पहुँच सकते हो, ठीक है? ठीक है ठीक है। ए भाई ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? जरा शांति से बात कर। वो समझ ही नहीं रहा था बापू जी। कौन? वो टेम्पो वाला। कौन टेम्पो वाला? एक मिनट बाबूजी, नट्टू काका का फोन। नट्टू काका, नट्टू काका सुबह से आपका और बागा का फोन बिजी क्यों आ रहा है? वो टेम्पो वाला मुझे फोन कर रहा है। अरे कहाँ है सेठ जी टेम्पो वाला? बागा बेचारा बाहर उसकी राह देखकर खड़ा है, रिप्लेसमेंट का सारा माल निकाल कर गोडाउन में रख दिया है। सेठ जी मैं टेम्पो वाले को कब से फोन कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन बिजी आ रहा है। अरे वो मेरे साथ ही बात कर रहा था भाई। ओ अच्छा अच्छा। हाँ तो अभी आप फटाफट उसको फोन करो और उसको समझाओ वो हाईवे पर कहीं पे खड़ा है, उसको दुकान का एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो उसको समझा दो दुकान कैसे पहुँचना है। जी सेठ जी। और सुबह सुबह दुकान के टाइम पे फोन पे टाइम पास करना बंद करो। अरे सेठ जी हम कहाँ टाइम पास कर रहे हैं, हम तो दुकान के काम की बात कर रहे थे। तो दुकान का फोन क्यों नहीं चल रहा है? आपकी वजह से है? कल आपने ही फोन का वायर निकाल दिया था ना। अरे पर मैंने वो वायर क्यों निकाला था? क्योंकि वो फोन का डबला बिगड़ गया है। हेलो। और मैंने क्या बोला था आपको? हेलो। उसकी जगह पे नया फोन का डबला बिठा दो। अरे ये जेठिया जरा शांति से बात करना। हेलो। और वो जय मैडम करके उसका फोन था भाई, कल हमारी दुकान से। शांति से बात करना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कौन है? अरे मुझे क्या मालूम, पूछूंगा तो पता चलेगा ना, कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। कब से तू इतनी जोर जोर से बोल रहा है? अरे कौन बोल रहा है भाई? चाची जी मैं मेहता बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ मैं तो बोल बोल बोल। चाची जी जरा जेठालाल से बात हो सकती है, काम था। हाँ देता हूँ, ये ले मैं तो उसका फोन है, मेरा काम है। नट्टू काका एक मिनट चालू रखना। हाँ मेहता साहब बोलिए। जेठल तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, मेरे घर आ सकते हो अभी? ठीक है मैं अभी दुकान जाते जाते आ जाता हूँ। ठीक है लेकिन भूलना मत आ जाना। क्यों क्या हुआ, कुछ अर्जेंट है? नहीं नहीं अर्जेंट कुछ नहीं है, आ जाओ फिर बात करते हैं आराम से, है ना? ठीक है। हेलो। हाँ नट्टू काका। हेलो। नहीं वो रख दिया फोन बाबू जी। मुझे क्यों दिया? हाँ हेलो। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ नट्टू काका। क्या बात कर रहे थे हम? जय मैडम की बात कर रहे थे। हाँ तो सेठ जी दोपहर तक वो कंपनी वाला फिटिंग के लिए पहुंच जाएगा। हाँ तो वो मैडम को फोन करके जरा बता देना। और वो चंद्रकांत भाई का फोन था। कौन चंद्रकांत भाई? अरे हमारे सीए।
अच्छे। ओ कह रहे थे कि आपने वो खर्चे की फाइल अभी तक भेजी नहीं है, उनको रिटर्न फाइल करना है भाई। अरे वो तो सेठ जी कब की भेज दी, चंद्रकांत भाई ऑफिस में नहीं थे तो उनके स्टाफ में जो दिनेश है ना उनके हाथ में फाइल दी थी। हाँ तो उनको भी फोन करके बता दो जरा। ठीक है सेठ जी। और हाँ चेकबुक लाना मत भूलिएगा। हाँ ले लिया भाई। हाँ और हाँ एक खास बात। हाँ क्या? कल आपने मुझे कहा था ना कि याद कराना, इसलिए मैं आपको याद करा रहा हूँ। क्या? वो वकील साहब को फोन करना मत भूलना। नहीं नहीं वो मुझे याद है, उनके साथ जरा शांति से विगत पर बात करनी है मुझे, तो वो दुकान आके कर लूंगा फोन। ठीक है सेठ जी। अरे हाँ एक और खास बात। हाँ क्या? अब दुकान कब आ रहे हैं? अरे आप फोन रखो तो मैं दुकान के लिए निकलूँ ना नटू काका। चलो फोन रखो अभी आप। ठीक है सेठ जी। और एक खास बात। अभी कोई बात नहीं भाई, अभी मैं दुकान आऊँ बाद में सब बात करना, ठीक है? चलो फोन रखो। क्या सब ठीक है ना? हाँ हाँ बाबूजी सब ठीक है। तो फिर इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊँ बापूजी, सुबह हुई नहीं कि मगजमारी चालू हो जाती है। अभी ये देख। हेलो। हाँ जी हम भोला प्रसाद बोल रहे हैं। अरे भाई वो नटू काका ने फोन किया नहीं तुम अभी? नहीं हमको किसी का फोन नहीं आया, लेकिन हमको पता चल गया है हम कहाँ हैं। हम हाईवे से दत्ता रोड पे पहुँच गए। हाँ तो ठीक है, वहाँ से आगे सब दाहिने मुड़ जाओ और वहाँ पे एक सीताराम होटल आएगी, वहाँ किसी को भी पूछना गड़े इलेक्ट्रॉनिक्स किधर है कोई भी बता देगा, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। और फटाफट पहुँचो भाई, सब माल निकल कर रखा है, जगह खाली करो जल्दी। मैं अभी पहुँच रहा हूँ। हाँ जल्दी पहुँचो भाई जल्दी पहुँचो। धंधे में कुछ नुकसान नुकसान हुआ है क्या? नहीं नहीं बाबूजी। तू अभी फोन पे बोल रहा था ना कि सब माल निकाल के रखा है जल्दी लेकर जाओ। नहीं नहीं वो तो सब डिफेक्टिव पीस है बाबूजी, वो कंपनी को वापस भेजना है, वो कंपनी वालों ने टेम्पो भेजा है। अच्छा वैसे काम धंधा बराबर चल रहा है ना? हाँ अभी ठीक ही चल रहा है, पर क्या अभी पहले जैसी मजा नहीं रही है बापूजी। मतलब अभी धंधे में मगजमारी बहुत बढ़ गई है, और दूसरा क्या है बापूजी, जितनी मेहनत करते हैं ना उतना सामने बढ़तर नहीं है। कभी कभी तो ऐसा विचार आता है कि सब बेच बाज के वापस बचाओ चले जाना चाहिए, शांति नहीं जिंदगी। ये क्या बोल रहा है जेठिया तू? यार भगवान ने इतना अच्छा काम धंधा दिया है और तू उसे बेच बाज के बचाओ जाने की बात कर रहा है? दुकान बराबर चल रही है ना? अरे दुकान तो चल रही है बापू जी। बस तो फिर परेशान क्यों हो रहा है? अरे भाई धंधा है तो थोड़ी बहुत मगजमारी तो रहते ही है। तू हंसते हंसते काम कर जेठिया, काम है तो सब है, कोई भी मुसीबत आए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बस हंसते हंसते उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। थैंक यू बापूजी। थैंक यू क्यों? नहीं ये हकारात्मक सलाह आपने दी तो काफी भार हड़वा हो गया। बस ऐसे ही मुस्कुराता रहे हैं। जी बापू जी चलो मैं चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्लीज फिर से एक बार फोन कीजिए ना। फोन कर तो चुका हूँ, और बार बार फोन करके परेशान करने से क्या फायदा, उसने बोला आ रहा है 5 मिनट में तो आ जाएगा ना। अरे मैंने कहा आप फोन कीजिए तो नहीं किया, अब आप फोन कर रहे हैं उनको। अंजलि अपने ऑफिस फोन कर रहा हूँ भाई, लेट हो जाएगा इसलिए बता तो दूं एक बार। हेलो। हाँ सुनीता गुड मॉर्निंग, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग तारक सर, बॉस अभी आपके बारे में पूछ रहे थे। अच्छा हाँ सुनीता मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि आज ऑफिस में पहुँचने में मुझे जरा देर हो जाएगी। क्यों आज जेठालाल जी पे फिर से मुसीबत आ गई क्या? नहीं आज मेरे दांत में दर्द है सुनीता, तो मैं डॉक्टर को दिखा के आऊंगा, इसलिए जरा प्लीज बॉस को बोल देना। ओके बाय, टेक केयर सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहाँ रह गया जेठालाल? पर मैं दादा जेठालाल से बात कैसे करेंगे? हाँ तो बहुत टेंशन में होगा नहीं? और ऐसे में हम लोग ऐसा डायरेक्ट दुकान क्यों बेच रहे हो ऐसा पूछेंगे तो ये तो सही नहीं है ना। करेक्ट। लेकिन बात तो करनी ही पड़ेगी, खास यार है अपना जेठा अपना। मेहता साहब आप ही पूछना जेठालाल से। अरे हाँ भाई कर लूंगा, लेकिन वो एक बार आए तो बात करूँ ना। मेहता साहब ने मुझे क्यों बुलाया होगा, भगवान करे उन पर कोई मुसीबत ना आई हो। बबीता जी। अरे जेठा भाई वहाँ कुछ हुआ क्या? हाँ अरे वहाँ जहाँ आप देख रहे थे। मैं तो ये पेड़ को देख रहा था। क्यों?
छोटा सा था लेकिन बारिश का पानी पी पी के आज देखो कितना बड़ा हो गया है। ठीक है चल चलता। हाँ, जल्दी निकलो। वह सुबह सब लोग यहाँ लगता है मेहता सब पे कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। क्या हुआ मेहता साहब? बैठो जेठालाल बैठो। यहाँ 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 बैठो। अबरलाल बैठ जा। क्या हुआ मेहता साहब? देखिए डरिए मत, जो भी है साफ साफ बताइए। हाँ बताइए बताइए बताइए। हाँ बताइए मेहता साहब। भाई जेठालाल समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ कैसे बताऊँ। देखिए मेहता साहब जो भी है बेझिझक बताइए। क्या कि दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई हल ना हो। हाँ जेठालाल लेकिन सोचता हूँ ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि होता है मेहता साहब होता है। जब मुझ पर भी कोई मुसीबत आन पड़ती है तो मुझे भी ऐसे ख्याल आते हैं। कैसे? यही कि आखिर मेरी ऐसी क्या गलती हुई कि मुझ पर ऐसी मुसीबत आन पड़ी। खैर छोड़िए मुझे तो अभी मुसीबतों की आदत सी हो गई है। आप बताइए आप पे ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जिससे आपको इतना गंभीर होना पड़ा? मुझ पे? भाई मुझ पे कोई मुसीबत नहीं आई है। तो फिर आपने मुझे इतना अर्जेंट यहाँ क्यों बुलाया? हाँ आप बता दीजिए मेहता साहब अभी जो है सो है। अभी उसने खुद बोला ना कि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिसका कोई हल नहीं है। तो आप बता दीजिए। हुन मेहता साहब तुसी दासी दियो। बता दीजिए मेहता साहब। अरे एक मिनट शांति रखो ना पोपटलाल भाई उनको बताने तो दो। हाँ पोपटलाल शांति रखो। अरे भाई मैं तो शांति हूँ कहाँ कुछ बोला। वहाँ भी शांति से बैठा था वहाँ से उठ के यहाँ भी शांति से आके बैठ गया। पोपटलाल मैं तो बताने जा रहे थे कि तुम बीच में बोलो 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 कर रहे थे। अरे भाई वो तो वो कुछ बोल नहीं रहे थे इसने मैंने बोला कि बता दीजिए। अच्छा अब मैं बोलूँ अब मैं बोल रहा हूँ दसो। हाँ बोलिए बोलिए मैं दादा। देखो भाई जेठालाल जो भी मसला है बात है ये तुम्हारी व्यक्तिगत बात है। इस मसले पे क्या करना है क्या नहीं करना है जो भी निर्णय होगा वो तो तुम्हारा ही हो। सही है या गलत ये तो तुम ही फैसला कर सकते हो लेकिन क्योंकि बात अखबार में आ गई है इसलिए बड़ी चिंता हो रही है जेठालाल। हाँ एक मिनट मेहता साहब आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यही जो मुसीबत तुम पे आई है जेठालाल। मुझ पे क्या मुसीबत आन पड़ी है तुम्हें नहीं पता? नहीं पता ही दो मेहता साहब अभी बता ही दो। हाँ तो जेठालाल ये जो। हाँ बोलिए बाबूजी। अरे बाबूजी वाली कहाँ है तू? मैं मेहता साहब के घर पे। क्यों? अरे क्यों क्या ये क्या मनमानी कर रहा है तू? मैंने क्या मनमानी की? तू बाहर आ मैं तू उसके घर से बाहर आ। हाँ आया अभी आया क्या हुआ क्या लेकिन बाबूजी? अरे मैं तो बता नहीं पा रहे थे कि ये पोपटलाल बीच में बोलो बोलो करने लगा इसलिए मैं तो तुमने नहीं बताया। वो पोपटलाल तुम भी नया। अरे क्या पोपटलाल भाई अब तो मेरे पीछे पड़ गए। अरे अभी शांत रहो ना पीछे। हाँ बाबूजी क्या मनमानी की मैंने? अभी ऊपर क्या बोला था तूने? ये धंधा बराबर चल रहा है कोई टेंशन नहीं है बाबूजी। बोला था के लिए बोल। हाँ तो फिर तूने ऐसा क्यों किया? लगता है जेठालाल ने चाचा जी को भी नहीं बताया।
ये जेठालाल का ऐसा ही है, ये बोलता कुछ है और करता कुछ है। कुछ मजबूरी होगी अय्यर भाई। कैसा क्या क्यों मतलब क्या क्या किया मैंने? कुबे बोला मत बोल, घर में झूठ बोलते, बोलता कुछ और है करता कुछ और है। अरे व्यापार को क्या मजाक समझ के रखा है तूने? अरे तू व्यापारी है कि कौन है? अरे दुकान बेच देगा तो घर में बैठ के क्या मंजीरा बजाएगा? दुकान बेच देगा मंजीरा? क्या बोल रहे हैं बाबूजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बनकर तेरा ये नाटक बनकर दुकान बेचने की जाहिरात देता है और बोल रहे कि बाबूजी आप क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुकान बेचने की जाहिरात? हाँ ये देख। अरे दुकान बेचवानी छे गोडाउन साथे? दुकान बेचनी? व्हाट? सिर्फ गोडाउन के साथ नहीं, गुडविल के साथ भी। लेकिन ऐसी जहर खबर किसने दी बापूजी? बापूजी गेले थे गरत गेले, शायद नीचे आ रहे होंगे। किसने दी ऐसी जहर खबर? मतलब जेठा भाई ये जाहिर खबर आपने नहीं दी? नहीं नहीं, झूठ बोल रहे, फिर से झूठ बोल रहे। अरे तेरी दुकान बेचने की जाहिरात तू नहीं देगा तो और कौन देगा? अरे बापूजी मैं सच कह रहा हूँ, ये जाहिरात मैंने नहीं दी है। जेठालाल ये विज्ञापन सचमुच तुमने नहीं दिया? नहीं। अरे भाई ये इश्तिहार सिर्फ एक अखबार में नहीं आया है, ये तूफान एक्सप्रेस में भी छपा है, भिड़े के घर जो मराठी अखबार आता है उसमें भी छपा है, सोड़ी के घर जो अखबार आता है उसमें भी छपा है। तो वो सारे इश्तिहार किसने दिए? मुझे क्या पता। अरे भी ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये अखबार वाले भी ना बिना सोचा समझे कुछ भी छाप देते। वो भाई वो जेठालाल, हम अखबार वालों को ऐसे मत बोलो। बोलूंगा, एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा। अरे कुछ भी छापने से पहले तहकीकात तो करनी चाहिए कि नहीं? अरे भाई हम अखबार वाले हैं भाई, डिटेक्टिव नहीं है कि तहकीकात करेंगे। अरे तहकीकात से मेरा मतलब है जो भी जाहिर खबर छपाने आता है तो उसको पूछना तो चाहिए ना भाई कि ये जो चीज की आप जाहिर खबर दे रहे हैं वो चीज आपकी है या किसी और की है। तो उतना तो चेक करते ही है, चेक किए बिना हम नहीं छापते। अरे क्या नहीं छापते, छाप ही दिया ना भाई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक तो मैं हूँ, मेरी जानकारी के बगैर मेरी दुकान बेचने की जाहिर खबर तो छाप ही दी ना। हाँ बोलिए मूलचंद भाई। आज पेपर में इश्तिहार पढ़ा मैंने, बोलो कितने में सौदा करना है? अरे नहीं मुझे कोई सौदा नहीं करना है, मुझे दुकान नहीं बेचनी है, ये किसी ने मेरे साथ गंदा मजाक किया है। ये इश्तिहार तुमने नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं। तो फिर किसने दिया? वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है मूलचंद भाई? ओके ठीक है जी। ओके हाँ बोलो। व्यापारी के फोन भी आने लगे बापू जी। तो आएंगे ही ना, तूने जाहिरात तो दी है। अरे मैंने नहीं दिया बापूजी जाहिरात। अरे तूने जाहिरात नहीं दिया तो और किसने दिए? मुझे नहीं पता बापूजी। देख जटिया कुछ तकलीफ है, है? कुछ नुकसान हुआ है, जो भी है वो सब सच बता दे, कुछ भी मत छुपा। चाचा जी दरअसल जेठालाल तकलीफ में तो है लेकिन वो बता नहीं रहा है। कल रात को भी जब सोडा शॉप में मिला था ना तो बहुत परेशान था वो। चाचा तू कल रात से परेशान है और तूने मुझे बताया नहीं? भीड़े बापूजी, कल रात को मैं जब परेशान था वो तो दुकान के छोटे मोटे काम की जो परेशानी होती है ना उसकी वजह से परेशान था, कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। तो जेठालाल तुमने एडवर्टाइजमेंट क्यों दिया? अरे मैंने नहीं दिया है भाई ये। नहीं माना जेठालाल के जाहिरात तुमने नहीं दी तो ये जाहिरात के नीचे नटवरलाल और बागेश्वर का नंबर क्यों छपा है? हाँ। ये कहीं नटू का और बागा का मजाक तो नहीं है? नहीं नहीं वो लोग ऐसा मजाक क्यों करेंगे, फोन करके पूछता हूँ, शायद उनको इसके बारे में कुछ पता हो। किसको फोन लगा रहा है? नटू काका को। अरे
नंबर पर अभी। क्या हुआ, फोन बिजी आ रहा है उनका, तो भागे को लगा। हाँ, हमें इस नंबर पर अभी। क्या हुआ, उसका भी फोन बिजी आ रहा है। तो जाहिर है ना जेठालाल, इन दोनों के फोन तो बिजी होंगे ही, क्योंकि इन्हीं दोनों के नंबर विज्ञापन में छपे, तो लोग इनको फोन कर रहे होंगे कि भाई खरीदना है हमें ये। अभी इसको क्या है, किसका फोन है? सुंदर, तो बात कर। हाँ बोल भाई। ए जीजा जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अबे तू क्या सुन रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा सुंदर? अरे जीजा जी, आप दुकान बेच रहे हो? तुझे कैसे पता चला? अरे जीजा जी मेरी छोड़ो, सबको पता चल गए। अरे सुबह से मेरे पास अभी तक 3-4 व्यापारी का फोन भी आ गए। अरे माय डियर जीजा जी, आपको दुकान बेचनी ही थी, तब ना जाहिर खबर क्यों दी, मुझे बता दिया होता। अरे माय डियर जीजा जी, मैं फर्स्ट क्लास सौदा करवा देता, मेरे पास 100 से बढ़कर 1 टॉप के एस्टेट एजेंट है। वैसे तो वो बाजार में 5% दलाली लेते हैं, अपना घर का समझ के सिर्फ 2% में काम कर देंगे। अरे भाई मुझे दुकान नहीं बेचनी है। तो फिर अपना जाहिरात क्यों दी? वो मैंने नहीं दी है। तो फिर किसने दी जाहिरात? वही पता, तूने तो नहीं दी। क्या बोल रहे हो माय डियर जीजा जी, आप भी मेरे साथ मजाक करने के लिए? अरे क्या माय डियर जीजा जी, आपके साथ मजाक करने के लिए क्या मैं जहर कबर का खर्चा करूंगा? हाँ वो भी है। चल अभी फोन रख, बाद में बात करते, ठीक है? ऐसा कुछ भी काम का जो ना, तो साला समझ कर तुरंत फोन कर देना, मैं ताबड़तोब मुंबई आ जाऊंगा। अरे तू यहाँ ना आए वही सबसे बड़ी मदद होगी भाई। जीजा जी अपने फोन रख दिया क्या? हेलो बोलो। ये दुकान बेचने की खबर सुंदर तक पहुँच गयी। जिसने भी मेरे साथ मजाक किया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई कोई अपनी जेब से इश्तियार का खर्चा करके तुम्हारे साथ मजाक क्यों करेगा? पवनलाल मेरे को तो लगता है ये कोई मजाक नहीं है, जेठालाल को सच में दुकान में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, लेकिन अभी चाचा जी को मालूम पड़ गया है, इसलिए ये मजाक है ऐसा कर रहा है। अगर कोई नुकसान होया तो दस दो, और हमारा गोकुलधाम एक परिवार है, और मिलकर समाधान निकाल लेंगे। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मुझे 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ है। वाह, और बापूजी मैं सच कह रहा हूँ, यह जाहिर खबर मैंने नहीं दी है। और भाई भीड़े, कल रात को मैं जो परेशान था वो सच में वो दुकान के छोटे मोटे काम का जो टेंशन होता है ना, उसकी वजह से था। कोई धंधे में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी वजह से नहीं था। पर भगवान की दया से आज तक नुकसान की वजह से मुझे दुकान बेचनी पड़े ऐसी नौबत नहीं आई है, और मैं कभी आने भी नहीं दूंगा। Thank God. इसलिए आप सब निश्चिंत हो जाइए, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। बापूजी मैं दुकान जाता हूँ और पता लगाता हूँ ये जाहिर खबर किसने दी है। ठीक है ना, दुकान चलते, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ चलो जी, चलो हम सब चलते हैं, और मैं गड्डी करता हूँ। सॉरी बेटा, ओ गड्डी तो गैराज पे है। अरे कोई बात नहीं, सकरम तो यहीं पे है ना, सकरम पे चलते हैं। चलो। अरे नहीं नहीं, सुनो भाई भिड़े मेहता साहब, किसी को आने की जरूरत नहीं है, पर टेंशन वाली बात ही नहीं है। पर ना मैं सामने से आप लोगों को कहता कि प्लीज चलो मेरे साथ दुकान चलो। ठीक है जेठालाल, लेकिन अगर दुकान पहुंचते ही तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ टेंशन है तो मुझे जरूर फोन कर देना। हाँ जेठालाल, मैंने फोन कर देना। हाँ फोन कर दूंगा, और थैंक यू मेरी इतनी चिंता करने के लिए। लेकिन अभी आप सब निश्चिंत हो जाइए और अपने अपने काम पे जाइए। मैं दुकान जाता हूँ और पता लगाता हूँ कि मेरे साथ ये मजाक किसने किया है, आज उसकी खैर नहीं। आता हूँ बाबूजी। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। रिक्शा। जब जल्दी होती है तभी रिक्शा नहीं मिलती है। रिक्शा रुक, रुक, रुक। चलो भैया अंदर ही। नहीं सर, हम वहां नहीं जाएंगे। हाँ तो उतर जा, मुझे आता है रिक्शा चलाना, मैं लेके जाता हूँ, उतर जा चल। अरे साहब ये क्या बोल रहे हैं,
अरे चलने भाई, बहुत जल्दी है, मेहरबानी होगी भाई, लेके चलने भाई। ऐसा प्यार से बोलो ना साहब, प्यार से बोलेंगे तभी ना आएंगे। अरे भाई मैं तो प्यार से ही बोला था ना, चलो भैया। फिर आप ऐसा गुस्सा में कहे बोले कि तू उतर जा, हम ऑटो चला के लेके जाते हैं। सॉरी भाई, वो मेरी दुकान की मगजमारी चल रही है इसलिए। सॉरी भाई, चल चल अभी चल। मगजमारी तो सबका है ना साहब, हमको देखो कभी कभी भाड़ा नहीं मिलता है, खाली चलना पड़ता है, ट्रैफिक मिल जाता है, रोज सुबेरे दो दो घंटा सीएनजी की लाइन में लग जाता है, तो हम तो गुस्सा करते हैं, नहीं ना प्यार से ही बोलते हैं ना साहब। तकलीफ तो सबको है साहब, मगजमारी और काम तो साथ में ही चलता है ना। छोड़ दोस्त, रिक्शा चलाना छोड़, बाबा बन जा रिक्शा बाबा। क्या प्रवचन करता है तू, रिक्शा से ज्यादा कमाएगा दोस्त, छोड़ दे रिक्शा चलाना। अरे क्या साहब, आप भी क्या नहीं बनेगा बाबा? अरे नहीं साहब, हमारा ऑटो ही सही है। हाँ तो फिर छोड़ना भाई अंधेरी, चल। तो ऐसे प्यार से बोलिए, चलते हैं। मेरे खाते में 1 करोड़ रुपए जमा हो गया, किसने किया? नटू का पूछता हूँ। हमें इस नंबर पर अभी व्यस्त टोन प्राप्त हो रही है। हमें इस नंबर पर अभी व्यस्त। ये चाचा भतीजा के एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, जो अभी तक दोनों का फोन बिजी आ रहा है। ये क्या चल क्या रहा है? कोई मेरी दुकान बेच रहा है, कोई मेरे खाते में 1 करोड़ रुपया जमा कर रहा है। बापू जी ये क्या हो रहा है? पोपट बेटा छोड़ी, मैं तू अय्यर, तुम सब लोग चिंता मत करो। जेठिया के साथ किसी ने मजाक किया है। हाँ। और वैसे भी वो दुकान पहुँच के फोन कर देगा। ठीक है चाचा, तो तुम लोग जाओ अपने अपने काम पे जाओ। मुझे आज प्रेस में लेट जाना है, तो आप लोग निकलिए। पोपटलाल, तुम तूफान एक्सप्रेस से फोन करके पता कर सकते हो ना कि ये एड छपवाने के लिए प्रेस में आया कौन था? हाँ पता तो चले जेठा भाई के साथ ऐसा मजाक किसने किया है। हाँ, हाँ मैं अभी फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ। तू जल्दी फोन लगा भाई। हाँ लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ। हेलो हेलो पटनी साहब, मैं पत्रकार पोपटलाल बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए पोपटलाल जी। आज के हमारे तूफान एक्सप्रेस के एडिशन में एक दुकान और एक गोडाउन बेचने की एड छपी है, पेज नंबर 2 पर। तो जरा पता करना था कि वो एड किसने छपवाई है, थोड़ी हेल्प कर देंगे प्लीज? हेल्प क्या पोपटलाल जी, ये तो मेरा काम है, अभी बता देता हूँ। थैंक यू। जी दुकान का नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। हाँ हाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जी। वो एडवर्टाइजमेंट तो किसी बागेश्वर नाम के आदमी ने दी है। क्या जरा फिर से बताइए नाम। बागेश्वर। बागेश्वर अगर भाई। थैंक यू पटनी साहब, प्रेस के लिस्ट में बाघा का नाम है। ये जाहिरात बाघा ने दी है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बात जेठिया को तो पता ही होगी। नहीं पर जेठा भाई ने कहा ना कि एडवर्टाइजमेंट के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उमल भाभी ये भी तो हो सकता है ना कि जेठा ने झूठ, मतलब चाचा जी के डर से झूठ बोला हो। क्या मुझसे झूठ बोला? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? चाचा जी कहाँ जा रहे हैं आप? चाचा जी अरे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? दुकान जा रहा हूँ। ये जेठिया क्या खेल खेल रहा है जानना तो पड़ेगा ना। एक तरफ जेठिया बोलता है कि उसे दुकान नहीं बेचनी, दूसरी तरफ पता चलता है कि जाहिरात तो भागा दे ले गया। ये जेठिया ने तो व्यापार का मजाक बना के रख दिया है। मैं जा रहा हूँ दुकान। चाचा जी रुकिए, मैं भी चलता हूँ आपके साथ, मैं सकरम की चाबी लेके आता हूँ। मेरे तरफ फोन। चाचा जी मैं जेठालाल को फोन करके बता देता हूँ कि हम लोग दुकान पर आ रहे हैं। नहीं है भाई, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे चाचा जी लेकिन हम दुकान पर पहुंचे और वो वहां नहीं रहा तो कंफर्म तो करना पड़ेगा ना। मैं अभी उसे फोन कर लेता। ओ भिड़े के फोन से ही करना पड़ेगा, सॉरी। अरे नहीं नहीं आप टेंशन मत लीजिए, आपका टीवी फ्रिज की डिलीवरी हो जाएगी। नहीं नहीं मैं कोई दुकान नहीं बेच रहा हूँ, वो मुझे लगता है किसी ने मेरे साथ गंदा मजाक किया है। फोन बिजी आ रहा है।
आज जेठिया की खैर। ये भिंडी मास्टर चाबी लेने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? भिंडी मास्टर, अरे भिंडी मास्टर, हाँ आ गया आ गया चाचा जी, आ गया आ गया। कहाँ रह गया था भाई? अरे कहाँ रह गया था मतलब, अरे सीढ़ियाँ चढ़ूंगा, घर पे जाऊंगा, फिर घर का दरवाजा खोलूंगा, फिर चाबी लूंगा उस। अरे चल चल भाई, चर्चा मत कर, जल्दी चल। हाँ चलो 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 चलो। सॉरी, नहीं बैठ जा, तू बैठ जा, तू बैठ जा। नहीं 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 चाचा जी आप, अरे ले ले तू बैठ जा ना भाई, अपना शौक पूरा कर ले, ऐसे कर, सो जा तू, सो जा लंबा होके सो जा। नहीं 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 चाचा जी आप बैठिए, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ, उसमें क्या, उसमें कुछ नहीं है ना, तो जाना है बैठना है। चलो आ जाइए जी, एक मिनट ना मैं घुमा लेता हूँ जरा। को मैं हमेशा संभाल के ही चलाता हूँ। जाके फोन करना, और पहले फोन करता हूँ। सावकाश, क्या हुआ भाई? पता नहीं साहब, देखना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ भाई, मैं इधर ही उतर जाता हूँ, मेरी दुकान यहाँ पास में ही है, चल कर निकल जाऊंगा। ठीक है, चलो। हाँ तो कोई बात नहीं, हाँ तो आप फोन कर लेना, ठीक है। नट्टू काका, जब से हमने दुकान बेचने की एडवर्टाइजमेंट दी है, लोगों के फोन बंद ही नहीं हो रहे हैं। देखो, अरे उठा उठा। हेलो, बागा फ्रॉम गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो, नट्टू काका स्पीकिंग फ्रॉम गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या अपने टोकन के पैसे ट्रांसफर कर दिए? हाँ, वो हमारे दुकान की एडवर्टाइजमेंट है, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है ठीक है। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई लॉस है इसलिए नहीं बेच रहे हैं। अच्छा, आपका आदमी भी आ रहा है, वेरी गुड, प्राइम लोकेशन है। ठीक है, रखता हूँ। बागा बागा, डील फाइनल हो गई। डील फाइनल हो गई मतलब दुकान गई? हाँ गई मतलब गई। पार्टी ने सेठ जी के अकाउंट में पूरे 1 करोड़ का टोकन ट्रांसफर कर दिया है, उनका आदमी अभी आता ही होगा। अच्छा, एक मिनट नट्टू काका, सुनिए भाई साहब। अच्छा सुन लिया ना, सॉरी। हाँ आज दुकान बिक गई, बिक गई, बिक गई। कमाल है नट्टू काका, आज सुबह ही हमने एडवर्टाइजमेंट दी और 1 घंटे में सौदा फाइनल भी हो गया। अपनी दुकान है ही ऐसी बागा। बराबर है नट्टू काका, एकदम मौके की जगह है, और ऐसी मौके की जगह कौन छोड़ेगा। हाँ करेक्ट, और बागा अपनी दुकान जो भाव में बिकी है, जो भाव में बिकी है, भाव सुनकर सेठ जी पागल हो जाएंगे। अच्छा सेठ जी, जल्दी जल्दी आइए, मैं और नट्टू काका आपको एकदम खुश कर देना चाहते हैं। क्या जेठालाल, सुना है दुकान बेच रहे हो? नहीं नहीं, गलत सुना है, मैं दुकान नहीं बेच रहा हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारी दुकान के बाहर दुकान बेचनी है लिख के बोर्ड मारा हुआ है। मेरी दुकान के बाहर ऐसा बोर्ड मारा है? हाँ, मैंने अभी देखा। अरे ये कौन है जो आज मेरे पीछे पड़ गया है? बागा बागा, आज तो धमाल ही धमाल होगी। धमाल नहीं नट्टू काका, सेठ जी माला माल होगी, मतलब होंगे। सुबह से सेठ जी के इतने फोन आ रहे हैं नट्टू काका, लेकिन क्या है उस सबकी इंक्वायरी के लिए मेरा फोन कब से बिजी था, इसलिए सेठ जी से बात ही नहीं हो पाई। अभी सेठ जी को फोन करके उन्हें खुशखबरी दे देता हूँ। नो 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 बागा, पहले सेठ जी को आने दे, हम उनका स्वागत करेंगे, फिर उनको एक सरप्राइज देंगे। बराबर है नट्टू काका, सेठ जी अगर सामने होंगे तो उनके मुंह के हाव भाव भी एकदम मस्त देखने को मिलेंगे। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, ये आपकी दुकान की डील फाइनल हो गई है, ये मिठाई भेजी पार्टी ने। अरे वाह, थैंक यू सो मच। ये पूरी डील नट्टू काका की वजह से हो रही है, पर नट्टू काका ये पेपर पर साइन करके कंफर्म कर दीजिए ना कि आपको 1 करोड़ का टोकन मिल गया है। श्योर, ठीक है। हाँ, और मैं एक वीडियो भी बना लेता हूँ, आप उसमें बता दीजिए कि आप ये दुकान जो है किसी के दबाव में आकर नहीं बेच रहे। लेकिन ये सब की क्या जरूरत है,
अरे बाघा जरूरत है बेटा, इतनी बड़ी डील हम हवा में थोड़ी करेंगे। रेडी रेडी। मैं नटवरलाल प्रभा शंकर उंधाई वाला उर्फ नटू काका, पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सौदा मंजूर करता हूँ। हमारे सेठ जी जेठालाल चंपकलाल गड़ा ये दुकान बेच देनी है, ये दुकान बेच देनी है ऐसा बार बार कहते हैं, इसलिए ये दुकान का सौदा मैं कर रहा हूँ। सेठ जी की अनुमति से ही ये सब हो रहा है। इस दुकान की कीमत 6 करोड़ तय हुई है, उसमें से 1 करोड़ का टोकन हमने स्वीकार किया है और 5 करोड़ बाकी है। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। थैंक यू, अब मैं चलता हूँ। जी मुबारक हो नड्डू काका, मुबारक हो। बागा, सेठ जी को मीठी मीठी मिठाई और मीठे मीठे न्यूज साथ में देंगे। हाँ नट्टू काका, ये आइडिया एकदम मस्त है। बड़े सयाने कह के गए हैं ना, कर भला तो हो भला। हमने सेठ जी का भला किया तो हमारा भी भला होगा, नहीं नट्टू काका? हाँ हाँ जरूर। और सेठ जी जब दुकान में आएंगे तो उनका मुंह तो देखने लायक होगा। हाँ नट्टू काका, मैं तो सेठ जी के साथ एकदम मस्त फोटो खिंचाऊंगा। जब सेठ जी को पता चलेगा कि हमने दुकान बेच दी है तो वो तो एकदम खुश हो जाएंगे, नाचेंगे नाचेंगे मस्त एकदम। अरे गरबा खेलेंगे गरबा। दुकान देखो बिक गई रे नटू काका, दुकान देखो बिक गई रे लो। टोकन का पैसा आ गया रे आ गया, टोकन का पैसा आ गया रे लो। दुकान देखो बिक गई रे लो, टोकन के पैसे आ गए रे लोल भाई, टोकन के पैसे आ गए रे लोल। बंद करो ये नाच गाना। बेवकूफ हो, आप दोनों को कुछ पता भी है? तुम दोनों यहाँ नाच रहे हो और बाहर हमारी दुकान पे ये कोई बोर्ड लगा के चला गया। इतना ही नहीं, किसी ने अखबार में जाहिर खबर दी है कि हमें हमारी दुकान बेचनी है। ये दोनों हंस क्यों रहे? कहीं दुकान बेचने की जाहिर खबर पढ़ के इन दोनों की दागड़ी तो नहीं चसक गई? भागा, तुझे सेठ जी की फोटो खींचनी थी ना, खींच ले खींच ले। फोटो नहीं नट्टू काका, सेल्फी। इस दुकान में हम तीनों की आखिरी सेल्फी। यस, आखिरी सेल्फी। देखो नट्टू काका, बाघा, आप दोनों मेरे बारे में कुछ भी सोचो, इससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये दुकान बेचने की जाहिर खबर मैंने नहीं दी है। पता है सेठ जी? पता है? हाँ। तो क्या आपको ये भी पता है कि ये जाहिर खबर किसने दी है? हाँ। किसने? हमने। क्या? क्या? और डील इतने में फाइनल हुई है कि आप खुशी से झूम उठेंगे। हमारे दुकान की मार्केट प्राइस वैसे तो 4.5 से 5 करोड़ है, 5 करोड़ के ऊपर कोई 1 रुपया नहीं देगा, लेकिन हमने ये डील कितने में फाइनल किया पता है सेठ जी? पूरे 6 करोड़ में। कैन यू बिलीव दैट सेठ जी? यकीन नहीं हो रहा है ना सेठ जी, लेकिन माता जी की कृपा से सब फटाफट हो गया, हमें भी यकीन नहीं आ रहा। हाँ नट्टू काका, सब कुछ एकदम फटाफट हो गया। ऑल द क्रेडिट गोज टू द पार्टी। यस, एब्सोल्युटली स्विफ्ट डिसीजन मेकर। उन्होंने कितना फटाफट निर्णय ले लिया और एडवांस पेटे सेठ जी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। इसी बात पे सेठ जी, लीजिए लीजिए मिठाई खाइए। नहीं खानी है मुझे कोई मिठाई, बंद करो, बंद करो ये, बंद करो ये नौटंकी। सेठ जी आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे गुस्सा ना करो तो क्या करूं, तुम दोनों की आरती उतारूं? नहीं 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 सेठ जी, हमें आपसे इतनी अपेक्षा नहीं है। चुप, चुप। क्यों? क्यों? आप दोनों ने ये दुकान क्यों बेची? आपकी तनाव भरी जिंदगी से आपको आराम देने, आपके रातों की नींद को
मीठी मधुर बनाने के लिए, आपके सर से टेंशन को बाष्पीभवन करने के लिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको बचाव में सेटल करने के लिए। नटू काका भागा चेटिया। बापू जी पोपटलाल भिड़े आप लोग यहाँ? आइए आइए बापू जी, भिड़े भाई, पोपटलाल जी आइए। इस खुशी के मौके पर आप सबका स्वागत है, मुंह मीठा कीजिए। अरे नहीं खानी है मुझे कोई मिठाई। ए झटिया, ये क्या किया तूने? बापूजी मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोल। झूठ नहीं बोल रहा हूँ बापूजी। अच्छा सोसाइटी में क्या कह रहा था? नहीं नहीं बापूजी, मुझे कोई दुकान नहीं बेचनी है, मैंने कोई जायदाद नहीं दी है, लगता है किसी ने मजाक किया है। बापूजी हाँ तो फिर अभी क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है? क्योंकि मैंने सच में कुछ नहीं किया है। जेठालाल मैंने अपने गुप्त सूत्रों से पता किया है। गुप्त सूत्रों से क्या पोपटलाल? तुमने सोसाइटी में खुलेआम सबके सामने मेरे फोन से तूफान से फोन लगाया था और पता किया था। तेरा फोन कहाँ है? भाई मेरे पास ही है। तो मैं ये कह रहा था जेठालाल कि मैंने हमारे तूफान एक्सप्रेस के एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में पता करवाया और ये पता चला है कि जो इश्तियार है दुकान बेचने का वो बाघा ने जाकर दिया था। तूफान एक्सप्रेस में एडवर्टाइजमेंट मैंने दी है और मराठी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट नटू काका ने दी है। सुना सुना जेठिया, सुना तूने? ये नटू और बाघा अपने आप तो जाहिरात देने नहीं गए होंगे ना? तूने बोला होगा तभी गए होंगे ना? नहीं नहीं बापूजी, मैंने इनको नहीं बोला है, ये दोनों अपने आप गए। क्या? हाँ। मतलब इन दोनों ने तुम्हारे दुकान को बेचने की एडवर्टाइजमेंट दे दी और तुम्हें पता तक नहीं? नहीं। मतलब तुम्हें पूछे बगैर इन्होंने पेपर में ऐड दे दी? हाँ। अरे मैं तो अभी दुकान में आया और इनसे पूछा तभी पता चला कि जाहिर खबर इन्होंने दी है। और मैं इनसे पूछ ही रहा था कि बताओ भाई आप लोगों ने ऐसी जहर खबर क्यों दी, इतने में आप लोग आ गए। अभी बताओ भाई खड़े क्या हो, बताओ क्यों दी ऐसी जहर खबर क्यों दी? दुकान बेचने की जाहिरात हमने सेठ जी के कहने पर दी है। क्या? अरे क्या हो रहा है? ये दोनों कह रहे कि ये दोनों ने जो कुछ भी किया तेरे कहने पर किया। सच में मुझे कुछ पता नहीं है बापूजी। मुझे कोई बताएगा कि सच क्या है? अरे कोई क्यों चाचा जी, जेठालाल ही बताएगा ना, यही दुकान का मालिक है। अबे दुकान को लेकर अगर कोई भी क्वेरी होती है तो उसका जवाब मालिक ही देता है। बापूजी मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पूछा बिना ये लोगों ने जहर खबर दे दी। अरे मैं क्या पागल हो गया हूँ जो दुकान बेच दूंगा? तो फिर आप बार बार ऐसा क्यों बोल रहे थे? कैसा? मुझे दुकान बेचनी है, मुझे दुकान बेचनी है। मैंने कब ऐसा कहा? अरे सेठ जी एक बार नहीं कई बार ऐसा कहा है। कई बार? कई बार? कब कब कहा मैंने? सेठ जी आपने दुकान बेचा, मुझे क्यों नहीं बताया? अब मैं क्या करूं? अरे 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 मगन तू रो मत। अरे मगन तू रो, अरे रो मत भाई, किसी ने दुकान नहीं बेची है भाई। सेठ जी दुकान बिक चुकी है। हाँ सेठ जी, और इस सच का अब आप स्वीकार कर लीजिए। नहीं करूँगा इस सच का स्वीकार। अरे ये सच ही नहीं है, मैं क्यों करूँ स्वीकार? स्वीकार करना ही पड़ेगा सेठ जी। अरे दुकान बिक चुके हैं और आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए एडवांस पेटे जमा भी हो गए हैं। तेरे खाते में 1 करोड़ रुपए जमा भी हो गए? हाँ बापूजी। जेठालाल तुमने चाचा जी से और क्या क्या छुपाया है? अरे ओ पोपटलाल, अभी थोड़ी देर के लिए पत्रकार की तरह पूछताछ करना बंद करो भाई। बापूजी मुझे भी पता नहीं था 1 करोड़ के बारे में। मैं अभी दुकान आ रहा था तो रास्ते में मेरे मोबाइल में मैसेज आया बैंक से कि मेरे खाते में 1 करोड़ रुपए जमा हो गया।
तो मैं भी सोच में पड़ गया कि अचानक 1 करोड़ रुपए मेरे खाते में कहां से आ गए। यहां के इनसे बातचीत में पता चला कि वो 1 करोड़ तो एडवांस के है। अरे बाप रे, नटू काका बघा, आप दोनों ने ये क्या कर दिया? अरे मैंने कब बोला मुझे दुकान बेचनी है? भाई साहब मोबाइल मिलेगा? नहीं मिलेगा मोबाइल, दुकान बेच दिए। मिलेगा मोबाइल, मिलेगा। अरे क्या टाइम पास चल रहा है, नहीं चाहिए मुझे मोबाइल। अरे सुनो सुनो भाई, मकान, अरे क्यों कस्टमर को वापस भेज दिया, हमने दुकान नहीं बेची। नटू काका भागा, इससे पहले कि मेरा गुस्सा काबू से बाहर हो जाए मुझे मेहरबानी करके बताइए मैंने कब आपसे बोला कि मुझे दुकान बेचनी है। बहुत लंबी बात है सेठ जी, क्या है कि यहाँ लोग आते जाते रहेंगे ना तो डिस्टर्ब होगा। कैन वी शिफ्ट टू गोडाउन? मतलब वो बोल रहे हैं कि बात बहुत लंबी है तो क्या हम गोडाउन में जाके बात करें? हाँ हाँ, जहाँ जाके आपको बात करनी है जाते हैं, चलो। ए मगन भाई, तू इधर ही रह, दुकान संभाल, ठीक है? और कोई भी कस्टमर आए सीधा जवाब देना, दुकान हमने बेची नहीं है, दुकान हमारी ही है, समझा तू? हाँ खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, फटाफट चलो। हाँ बोलो माधवी। हाँ बोलो माधवी। आहो क्या हुआ जेठा भाई के दुकान का? आप वहाँ पहुँचने के बाद फोन करने वाले थे मुझे। हाँ माधवी, लेकिन यहाँ पे सब कंफ्यूजन है। मंजे ये गड़ा फैमिली का क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आहो अब वहाँ क्या हो रहा है वो बताइए ना। यहाँ पे जो हो रहा है वही बता रहा हूँ माधवी, जेठा की दुकान की एड नटुका और बाघा ने ही दी है और जेठा के अकाउंट में दुकान का 1 करोड़ का टोकन भी आ चुका है, लेकिन इस बारे में जेठा को कुछ पता ही नहीं है। होगा भाई, ऐसे कैसे? आप सब ऐसा ही है। लेकिन नट्टू काका और बागा भाई ने ऐसा किया क्यों है? वही बात जानने के लिए अभी हम लोग जेठा के गोडाउन में जा रहे हैं, जैसे ही पता चलता है मैं तुम्हें फोन करता हूँ। अरे बताइए ना नट्टू काका, सबको आने तो दीजिए। अरे सब आ तो गए, कौन बाकी है? भीड़े भाई बाकी आ गए, आ गए, आ गए। कहाँ रह गया था भाई तू? अरे माधवी से फोन पे बात कर रहा था। अरे कितनी पंचायत है तुझे, मिनट मिनट का रिपोर्ट देना तुझे सोसाइटी में। अरे रिपोर्ट देने के लिए मालूम भी तो होना चाहिए जेठालाल, सोसाइटी वालों को तुम्हारी चिंता हो रही इसलिए फोन कर रहे थे। अरे भाई जेठिया ये सब पंचायत छोड़, मुझे सच जानना है, सच बता। अब बापू जी सच तो मुझे भी जानना है, लेकिन ये बताए तब ना। बता लड्डू। हाँ बताओ भाई, क्यों थी आप लोगों ने दुकान बेचने की जाहिर खबर? मैंने कब बोला आपको कि मुझे दुकान बेचनी है? जी सेठ जी, वो क्या है? मेरा मेरा बजा मेरा बावरी जी का फोन है। मैं काट देता हूँ सेठ जी, काट दिया। एक काम करो भाई, सब लोग अपने अपने फोन बंद कर दो, जब तक ये बात पूरी नहीं हो जाती कोई फोन पे बात नहीं करेगा। बराबर है, बराबर है। मन क्यों, साइलेंट भी तो कर सकते हैं। हाँ वही भाई, वही साइलेंट करते हैं भाई, वही बोल रहे बापूजी। बता ना तू। हाँ बताइए, क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? बताइए तो सही सेठ जी, ये सब हमने आपके कहने पर किया है। अरे कब से एक ही बात बोले जा रहे हैं आप लोग? मैंने कब बोला मुझे दुकान बेचनी है? बताते हैं सेठ जी, बागा बता दे। जी नटू काका, तो सेठ जी दुकान बेचने की बात आपने आज से ठीक 15 दिन पहले पहली बार की थी। बुधवार का दिन था और समय था दोपहर के ठीक 3:30 बजे। ये देखिए, ये सादा वॉशिंग मशीन है, ये सेमी ऑटोमेटिक और ये है फुल्ली ऑटोमेटिक। और आजकल तो मैडम मार्केट में सब फुल्ली ऑटोमेटिक ही खरीदते हैं, बहुत बिकता है। अंकल चैनल चेंज करो ना। हाँ जरूर बेटा, बेटे को टीवी का बहुत शौक लगता है, आजकल हर बच्चे को टीवी का शौक होता है। ये ले बस। बताइए मैडम आपको कौन सा पीस पसंद है? फुल्ली ऑटोमेटिक। अरे वाह, उसमें तो हमारे पास 2-3 वैरायटी भी है। अंकल चैनल चेंज करो ना। हाँ बेटा, हाँ जरूर जरूर, ये ले। हाँ? ये नहीं, दूसरा दूसरा। अच्छा ये नहीं, ये भी नहीं, दूसरा। अच्छा काम करो बेटा, रिमोट तुम ही रखो, जो मर्जी देखो। और कौन कौन से मॉडल है इसमें? मॉडल तो 3-4 है, लेकिन सबसे बढ़िया मॉडल ये ही है।
इसमें क्या है, फुली ऑटोमेटिक है ना, तो इसमें खाली आपको कपड़े डालने हैं और एक बटन दबाना है बस, बाकी सब ये मशीन करता है। ये अच्छा है। अरे अच्छा क्या मैडम, सुपर डुपर हिट मॉडल है। इसमें कौन कौन से कलर है? और इसमें चार कलर है, एक तो ये ग्रे, दूसरा मरून, एक व्हाइट है और एक ब्लैक कलर है। हाँ, कलर तो आपको इसमें से जो चाहिए मिल जाएगा, और इस पे 10% डिस्काउंट भी है। 10% नहीं सेठ जी, 12%। ले बोलो। खड़े खड़े 2% और मिल गया। डिस्काउंट के बाद कितने का पड़ेगा ये? अरे नटू काका जी, सेठ जी जरा डिस्काउंट के बाद क्या फाइनल भाव होगा जरा बताइए। एक मिनट सेठ जी। बेटा बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, टूट गया। सॉरी डर गया, आपका रिमोट भी टूट गया, सॉरी। नहीं नहीं, अरे रिमोट का कोई टेंशन मत लीजिए, ढगला बंद रिमोट पड़े हमारे पास बेटा, कोई टेंशन नहीं है। ये वॉशिंग मशीन का फाइनल है ना? हाँ हाँ फाइनल है, बस इसका फाइनल रेट बता दीजिए। हाँ, नटू काका सेठ जी, ओरिजिनल प्राइस है 20,000, डिस्काउंट काट के 17,600। लो 20,000 का भी 17,600 में। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, ऑनलाइन तो ये सिर्फ 16,000 रुपए का है, ये देखिए ऑनलाइन 16,000 मिल रहा है। हाँ, भाव में इतना फर्क कैसे? अरे मैडम आप भाव पे मत जाइए, ऑनलाइन के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या है आपने ऑनलाइन मानो ये वॉशिंग मशीन खरीद लिया है, 6 महीने बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तब किसको पकड़ने जाएंगे है? जबकि हम तो सालों से यहाँ दुकान लेके बैठे, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ आप आके हमको सीधा बता सकते हैं, इधर बोल सकते हैं, है कि नहीं? एकदम बराबर है। और दूसरा क्या है मैडम, ऑनलाइन में तो सिर्फ आप प्रोडक्ट का फोटो देख सकते हैं, जबकि यहाँ आके आप लाइव प्रोडक्ट देख सकते हैं। हाँ, पर चलो आपको ये पीस पसंद आ ही गया है तो मेरी तरफ से मैं और 3% डिस्काउंट दे देता हूँ बस, 17,600 की जगह पे 17,000 दे देना बस। अगर मुझे सेम पीस 16,000 में मिल रहा है तो मैं 1,000 एक्स्ट्रा क्यों दूँ? हाँ, हम लोग ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं, है ना? वॉशिंग मशीन दिखाने के लिए थैंक यू। थैंक यू। सुनिए मैडम, आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो सही, दो मिनट आइए, वापस आइए। मैं क्या कहता हूँ, चलिए अभी आपको और मैडम जी को पीस पसंद आ ही गया है तो 16,000 में फाइनल करते हैं। एक पीस में हम लोग नहीं कमाएंगे और क्या है भागा? क्या है गड्डा, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नियम है, कोई भी ग्राहक यहाँ से नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। सही बात। नटू काका बिल बना दीजिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच। मैं अभी आपको कुछ पेमेंट दे देता हूँ और बाकी का पेमेंट डिलीवरी पे दे दूँ, चलेगा ना? कोई टेंशन नहीं है, हाँ डिलीवरी पे दे देना पूरा पैसा, कोई टेंशन। आप खाली अपना घर का एड्रेस लिखवा दीजिए। जी आइए। ये ऑनलाइन वालों ने तो हम जैसे व्यापारी का धंधा करना मुश्किल कर दिया, कुछ कमाया नहीं वॉशिंग मशीन पे। सिर्फ ये कमाया नहीं तो फिर बेचा क्यों? तो मार्केट में खड़े रहने के लिए बेचना तो पड़ेगा ना नटू काका। अरे लेकिन सेठ जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इस मशीन पे आप कुछ कमाए नहीं? इस मशीन की खरीदी हमें 15,500 रुपए में पड़ी, तो 500 रुपए तो कमाए ना। तो 500 रुपए में क्या होता है भाई, इतना सारा माल स्टॉक करो, गिरक को समझाओ, मगजमारी करो, इतनी मेहनत के बाद मिलता है क्या? तो 500 रुपया। धंधा पहले जैसा अभी रहा नहीं है सेठ जी। बड़े सयाने कह के गए हैं कि परिवर्तन तो संसार का नियम है। ये बराबर है, परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा, आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? रोज की एक सरी की जिंदगी हो गई, सुबह उठो, दुकान आओ, तुम लोगों के साथ मगजमारी करो, ग्राहक को समझाओ, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि वो खरीदी करेगा ही। शाम होते ही दुकान बढ़ाओ, वापस घर चले जाओ, दूसरे दिन भी यही सिलसिला चालू। घंटाला आ गया रोज की ऐसी जिंदगी से, इससे तो अच्छा कोई अच्छी ऑफर आए तो ये दुकान बेच के बचाव चला जाऊं। अब बोलिए सेठ जी, आपने दुकान बेचने की बात कही थी या नहीं?
हाँ भाई जेठालाल, तुमने साफ साफ बोला दुकान बेचनी है। अरे तुम शांति रखो ना पोपटलाल, तुम कहाँ चालू गाड़ी में चल रहे हो।